आज मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में बताए हुए ऐसे तीन प्रकार के लड़कियों के बारे में, जिन तीन प्रकार के लड़कियों के साथ आपको कभी भी शादी अथवा प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अब गलती से भी उनमें से कोई भी एक प्रकार के लड़की के साथ शादी अथवा प्यार करते हो तो आप बहुत बड़े खतरे में आ सकते हो। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहले प्रकार की जो लड़की है वह कौन सी है दोस्तों? कि पैसों पे प्यार करने वाली लड़की। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई लड़की सिर्फ पैसों पे प्यार करती है, अगर कोई लड़की के लिए प्यार, रिश्ते, इनका कोई भी महत्व नहीं है, तो ऐसे लड़की के साथ कभी भी शादी अथवा प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता है कि पैसा आज है कल नहीं। अगर आपके पास आज बहुत सारा पैसा है तो कल बहुत सारा पैसा होगा, ऐसे आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, यह जो लड़की होती है ना, पैसे पे प्यार करने वाली लड़की, वह आपको कभी भी धोखा दे सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पास पैसा रहेगा तब तक वह जो लड़की है वह आपके साथ रहेगी, जब आपके पास से पैसा निकल जाएगा तो वह जो लड़की है वह आपको तुरंत धोखा देगी। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें और आप कभी भी पैसों से प्यार करने वाले लड़की के साथ शादी अथवा प्यार गलती से भी ना करें। जो दूसरे प्रकार की लड़की है वह कौन सी है दोस्तों? कि चुगली करने वाली लड़की। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बताया है कि एक चुगली करने वाली लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक चुगली करने वाले लड़की के साथ शादी करते हो तो ऐसी लड़की आपके घर में ही चुगलियाँ करेगी और आपको अपने परिवार से दूर करेगी। आपके बीच में और आपके परिवार के बीच में ऐसी चुगली करने वाली लड़की झूठी चुगलियाँ करके दरार पैदा करेगी और आपको और आपके परिवार को, आपको और आपके फ्रेंड्स को आपसे दूर करेगी। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें और आप कभी भी एक चुगली करने वाली लड़की के साथ शादी गलती से भी ना करें। जो तीसरे प्रकार की लड़की है वह कौन सी है दोस्तों? कि बड़ों का अपमान करने वाली लड़की। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई लड़की अपनों से बड़ों का अपमान करती है, यानी कि अगर कोई लड़की अपने माता पिता का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, यानी कि अपनों से बड़ों का अपमान करती है, तो ऐसे लड़की के साथ कभी भी शादी अथवा प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बड़ों का अपमान करने वाले लड़की को एक चरित्रहीन लड़की बोला है। तो दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें और आप कभी भी अपनों से बड़ों का अपमान करने वाले लड़की के साथ शादी अथवा प्यार गलती से भी ना करें।